तो यार अभी आप सोच रहे होंगे कि जो बंदा पोचिंग के पीछे इतना पागल रहता है वो भला प्रिजन क्यों। तो यार बात ऐसी है कि भाई जो प्लेन का बात है वो गया था काफ़ी दूर से पोचिंग से, और ना वो जॉर्जबुल जा रहा था ना वो नोवो जा रहा था, वो सिर्फ यहाँ पे प्रिजन आ रहा था और मिल्टा बेस वगैरह वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ। तो मैंने सोचा यार कि प्रिजन में ज़्यादा लोग उतरेंगे, लेकिन घंटा यहाँ पर कोई नहीं उतरा, और लेकिन फिर भी हम खेलेंगे उसी तरह जैसे कि हम रोज़ खेलते हैं, यानी कि ब्लाइंड रश एंड ओनली रश। तो यहाँ पर फ़िलहाल एक दो बॉट हैं, पहले तो उनको मार देते हैं, और एक और है यहाँ पे पीछे की साइड, तो यहाँ से इन दोनों को जो है मार के निकलेंगे। चलो ये दोनों हो गए क्लियर। तो अब वैसे भी लूट में ज़्यादा करता नहीं हूँ, वैसे काफ़ी कर लिया है वो पोर्शन भले मैंने कट कर दिया वो बात अलग है, लेकिन अब यहाँ पे देखो जो पाथ था प्लेन का वो बना था लिपोका की साइड, तो ओबियसली या तो प्रिजन या तो लिपोका बंदे उतरे होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं प्रिजन जाने से पहले मेरा जो है यहाँ पे सामना हो गया यहाँ पे एक बंदे से जो कि यहाँ पे लूट करके बैठा था कहीं पे छिपा हुआ था, और मैं उसी के चक्कर में जो है उसको ढूंढ रहा था, और फाइनली वो मेरे को दिखा। जिसको कि मैंने मार दिया, एंड वो बंदा जो है पहले घास में लेटा था, फिर जैसे मेरी गाड़ी आई तो वो बंदा जो है वापस घर में घुसने लगा, लेकिन इससे पहले मैंने उसको मार दिया। खैर हम जहाँ जा रहे थे वहाँ चलते हैं, यानी कि लिपोका ही बोलते हैं उसको, कमेंट में करेक्ट मत करना। तो फिलहाल आ चुके हैं हम लिपोका, और ये गाड़ी जिस हिसाब से लगी हुई है देख सकते हो इसके अंदर ऑब्वियसली बंदा होगा, इसलिए मैंने जो है आगे जाके गाड़ी को रोक दिया। ऑब्वियसली मेरे को फाइट करना उसके साथ, और यहाँ पर मेरे को फुट स्टेप और तेज़ हो गए, मतलब दिख गया मेरे को। यहाँ पे अजीब सी बात हुई, वो बंदा लेट गया पता नहीं क्यों, लेकिन खैर हमें क्या लेने देना, हमको सिर्फ मारने से लेने देना है, चाहे वो लेटे चाहे वो फाइट करे, मारना हमको ही है और हमने मार दिया है। अभी फ़िलहाल निकल लेते हैं यहाँ से। बट मेरे को हैरानी हो रही है कि पूरे लिपोका में सिर्फ एक बंदा उतरा है और वो भी बाहर की साइड, लेकिन कोई बात नहीं, आगे जाके हमको एक और बंदा मिला जिसने कि पूरे लिपोका की लूट जो है अपने हाथ में, मतलब अपने बैग में लूट के रखी हुई थी। अब उस बंदे का मूड थोड़ा सा अजीब सा था, वो लड़ना भी चाहता था और नहीं भी। यहाँ पे उसने पहला फायर किया और मैं समझ गया कि वो जो है फाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर करना चाहता तो मैं उसके काफ़ी करीब से गुजरा, वो मेरे को थोड़ा बहुत डैमेज दे सकता था, लेकिन वो छुपना चाह रहा था एंड वो फाइट नहीं करना चाह रहा था। यहाँ पर इसी बात का फ़ायदा उठाया मैंने यहाँ पर। तो जब भी आप फाइट ना करना चाहो तो सामने वाले को डराओ भाई, एटलीस्ट फायर करके कि वो भाग जाए या डैमेज दो उसको, लेकिन नहीं भाई साहब फ़ाइट नहीं करनी मतलब गोली भी नहीं चलानी। एक गोली चला के पहले तो मेरे को बता दिया कि वो यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरे को तो कुछ भी करके उसको मारना था, बिना काल लिया तो मैं ऐसे जाऊँगा नहीं। और वो सामने पत्थर की साइड है, तो उसको बाहर निकालने के लिए मैंने यहाँ पे नीड फेंका ताकि वो बाहर निकले, और वैसा ही हुआ। लेकिन भाई साहब बैरल होने से कुछ नहीं होता, अगर आप रश करोगे तो ऑब्वियसली आप पिटोगे जो बंदा टी पी पी ले रहा है उसके हाथों। फिलहाल यहाँ पे मैंने काफ़ी ज्ञान दे दिया, अब निकल लेते हैं यहाँ से भी। तो यहाँ पे एक और ज़रूरी बात, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उस समय जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो है ये, तो जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो के एंड तक यार मतलब कर देना यार कुछ भी करके, काफ़ी नए लोग देखेंगे इस वीडियो को, तो जिन्हें भी सब्सक्राइब नहीं किया कर देना, और एंड में मुझे बताना कि कितने सब्सक्राइबर जो है इंक्रीज़ हुए हैं। खैर बाहर से नॉइज़ काफ़ी आ रहा है इसीलिए मैंने जो है थोड़ा म्यूज़िक लाउड किया है। और यहाँ पे हम जा रहे हैं जॉर्जबुल इस फ्लेयर को हंट करने, और जॉर्जबुल यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे पता नहीं कितने लोग और कहाँ कहाँ छुपे हो सकते हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है, बस जब पड़ेगी तभी आपको पता लगेगा। अब यहाँ पे हमने गाड़ी तो एकदम बहुत बढ़िया से रोकी यहाँ पे, लेकिन फ्लेयर काफ़ी दूर रह गई, और ऐसे जब फ्लेयर गिरती है तो लगता है कि मतलब काफ़ी क्लोज़ है। अब भाई साहब यहाँ पर शुरू होता है एकदम पेशेंस का खेल। पहले तो यहाँ पर मुझे एक बंदा दिखता है जो कि बोट था ऑब्वियसली, और यहाँ पे पहले मैं इसको जो है बंदा समझ के इसको मार देता हूँ, लेकिन ये वो वाला नहीं था जिसके पास फ्लेयर थी, मतलब जिसने फ्लेयर मंगाई थी यहाँ पे वो कोई और था। और उसके बाद उसके और मेरे बीच में शुरू होता है एक मतलब लगभग लगभग 6 से 8 मिनट तक का पेशेंस का खेल, मतलब दोनों टी पी पी ले रहे हैं, दोनों जो है एक दूसरे की लोकेशन जानते हैं, लेकिन रश कोई नहीं कर रहा, बिकॉज़ दोनों जानते हैं कि अगर कोई भी रश करेगा फर्स्ट तो उसका ही लॉस होगा, क्योंकि उसके मरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो लगभग लगभग 5 से 6 मिनट दोनों ने पेशेंस किया यहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था वो ऐसे बाहर निकलेगा, इसलिए मैंने एक आइडिया सोचा। यहाँ पे मैंने एक स्मोक फेंका ताकि उसकी एरिया में थोड़ा सा नॉइस हो, स्मोक के कारण होता है आपको बताऊँगा,
और मैंने यहाँ पे बैक स्टेप ले लिया, पीछे को आ गया मैं ताकि वो थोड़ा सा आगे को आए, एंड ऐसे ही हुआ। लेकिन पता नहीं यार यहाँ पे क्या हो रहा था, कौन क्या कर रहा था, किसको मार रहा था, कुछ पता नहीं चला। और फाइनली ले दे के मैंने उसको मार दिया। अब मारा तो ठीक है, लेकिन इसके बाद यार मतलब यहाँ पे इतनी ऑडियंस थी, मतलब 3-4 लोग और थे, मतलब वो सब जो है एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, और सामने एक बंदा टीपीपी ले रहा है। तो फिर से मैंने एक ही चाल चली अगेन, वही वाली कि स्मोक फेंको, नॉइज़ क्रिएट करो, देन उसको कन्फ्यूज़ करो। अब नॉइज़ फेंकने के बाद, मतलब स्मोक फेंकने के बाद, सॉरी, वहाँ पे तो ओबियसली कुछ ना कुछ साउंड हो रहा होगा स्मोक का, जो कि श करके होता है। तो वहाँ पे अब उसको जो है हल्का सा मेरा फुटस्टेप जो है समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, दैट्स वाई जो है मैंने घुमा के रश किया उस पर। अभी देख रहे कहाँ है वो। तो जितनी देर को मैं घूमा भाई, स्मोक ख़त्म, अब कुछ भी करके ऐसे ही मारना पड़ेगा उसको। लेकिन वो बंदा भाग रहा है मेरे से, पता नहीं क्यों, और देखते हैं कब फाइट होता है उसके साथ। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यार मेरा माइंड फेल हो गया कि मेरे को पढ़ कहाँ से रही है, तब पता चला यार पीछे एक और बंदा है। मतलब इतना ओपन में भाग रहा था तब नहीं मारा, और यहाँ पे मारा, पूरी वेस्ट ले गया मेरी, तो डराना तो बनता है उसको भी। तो भले ही किसी को मारो ना, लेकिन उस पर गंदा वाला फायर जरूर करो, ताकि वो थोड़ी देर के लिए वो भी संभल जाए और दोबारा अटैक ना करे आप पे। अब फिलहाल वहाँ पे खतरा था, क्योंकि दोनों साइड से मैं घिर चुका था, तो मैं पीछे आ गया। और उसके बाद भाई को मैंने मार दिया पीछे से, क्योंकि गलती उसकी थी, उसको देखना चाहिए था। अब फिलहाल बारी है इस बंदे की, जिसने गंदा वाला डैमेज दिया था मेरे को और मरते मरते बचा लिया। और वही बात, जब भी कोई टीपीपी ले रहा हो उस पर रश ना ही करें तो अच्छा है, कोई थ्रोएबल आइटम फेंकें, ऐसे नहीं चलेगा। खैर इस समय लोग जो है काफ़ी स्किलफुल हो चुके हैं, तो टीपीपी वाले को मारना जो टीपीपी ले रहा है थोड़ा सा डेंजरस होता है आप ही के लिए। खैर यहाँ से निकलते हैं, जोन बहुत छोटा हो चुका है, और मैंने जो है टॉप में से एडोम ले ली उनकी। अब आगे जाके मेरे को पता चला यार अकेला मैं ही नहीं हूँ जो जोन के बाहर है, एक और गाड़ी थी जो कि जोन के बाहर थी, और उसका पीछा करने में आया यहाँ पे, लेकिन भैया गायब। और उसके बाद हम पहुँचे एक जादुई घर में। अब जादुई इसको मैं क्यों कह रहा हूँ आपको पता लगेगा अभी। यहाँ पे फिलहाल परफेक्ट जो है यहाँ पे लैंडिंग हुई है गाड़ी की, या बोले तो पार्किंग हुई है। अब फिलहाल यहाँ पे जो है, जैसे मैं आया तो AWM शूट हुआ, मतलब किसी ने ऊपर से चलाई, मतलब कोई है। तो मैंने यहाँ पे जो है सबसे पहले तो पोजीशन देखने की ट्राई करा, लेकिन इतने में एक गाड़ी आ गई। अब मेरा सारा ध्यान उस गाड़ी के ऊपर, तो जब भी आप ऐसा मतलब यहाँ पे TPP लो, ध्यान रखो। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल ध्यान रखा था, लेकिन वो बंदा जो है थोड़ा सा मूव ज़्यादा कर गया, लेकिन वो काफ़ी लिट है, तो इसलिए मैंने जो है ब्लाइंड रश कर दिया, उसको हेल नहीं करना चाहूँगा। और बस मुझे पता था सिर्फ दो बुलेट उस पर जो है टच करनी है, वही हुआ, मार दे उसको। और आगे पीछे भले ही वो मेरे को मार देता है, लेकिन इस समय जो है पैनिक था, ओबियसली उसका डैमेज हुआ था तो वो पैनिक ही होगा। अब भारी है जो छत पे है AWM चला रहा है, मतलब उसको कोई लेना देना ही नहीं है, उसके मतलब घर के अंदर आके दो बंदे फाइट कर रहे हैं, और बिल्कुल यहाँ पे ऊपर है वो, दिख गया होगा आपको वो। अब ये ग्रेनेड देखिए, मतलब बिल्कुल छत के ऊपर बिल्कुल, और टाइमिंग भी देखिए, लेकिन वो बचा कैसे मेरे को नहीं मालूम यार। खैर मतलब अगर वो ग्रेनेड से नीचे नहीं आया तो मतलब वो बंदा चूतिया है। तो मैंने उसको ऊपर जाके मार दिया, और फिर अब बारी है यहाँ से निकलने की। मुझे पता है बहुत सारे लोग, फिलहाल एक और बंदा आया यहाँ पे, तो मैंने बोला यार ज्ञान बाद में देते हैं, पहले जो है इसको मार देते हैं। तो अब कमेंट में पढ़ने वाली है मेरे को गालियाँ, बिकॉज मैंने थोड़ा सा चूतिया वर्ड यूज़ कर दिया यहाँ पे, तो गाली मत देना। अब निकल लेते हैं यहाँ से, और ये घर जो है बिल्कुल जोन के अंदर है। अब इस बंदे ने भाई एकदम जीना हराम कर दिया था पूरे मैच में। इस बंदे पे मैं इतना रश किया, लेकिन ये बंदा तो भाई एकदम TPP लेके बैठा था, ऊपर आने ही नहीं दिया मेरे को। खैर अब मैं भी वेट कर रहा था यहाँ पे, फिर से यहाँ पे जो है पेशेंस, और फाइनली वो वक्त आया
जब मेरे को लगा कि अब जो है रश करना चाहिए। और यहाँ पे जो है मैं रश करने के लिए ऊपर गया, लेकिन 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 फिर से जो है उसने रश करने नहीं दिया और फाइनली मैंने कर ही दिया, बिकॉज़ वो पेन किलर लगा रहा था। तो इसलिए हर कोई बंदा आपको बोलता है कि हेडफोन पहनो, ईयरफोन पहनो या कुछ भी यूज़ करो जो पहनने वाले आइटम है, तो आप सही से जो है साउंड ट्रैक कर पाओगे। फ़िलहाल दिखा और मेरे को हल्का सा दिखा था, पत्तियों के अंदर से लेटा था और मार दे उसको भी। फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से। अब जोन के एज में मैं हूँ जोन के अंदर, लेकिन यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जब अच्छे वेपन्स है तो हम जब रश करके मार सकते हैं तो दूर क्यों रुके, हम रश करके मारेंगे ओबियसली। अब यहाँ पे इस घर के अंदर दो लोग थे, एक तो मुझे दिख गया बाहर ही और दूसरा मेरे को अब पता लगा जब उसने पीछे से फायर किया। लेकिन चिकन डिनर, तो लाइक करना यार अगर अच्छा लगा।